दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2021 में कई सारे टीवी शोज आए हैं, जिनमें से कुछ सितारे तो लगातार टीवी सीरियल में अभिनय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ सितारों ने कई सालों के बाद टीवी सीरियल में कमबैक किया है और दर्शकों को खुश कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 2021 में किन किन सितारों ने एक बार फिर से टीवी सीरियल में कमबैक किया है? नहीं ना, तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से मिलवाने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करें और जाने साल 2021 में किन किन सितारों ने टीवी सीरियल में कमबैक किया है। नंबर वन, हर्षद चोपड़ा। सबसे पहले बात करें हर्षद चोपड़ा की, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आने से पहले बेहद सीरियल में नजर आ रहे थे और शो के खत्म हो जाने के बाद इन्होंने कुछ टाइम के लिए टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था और अब ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अभिमन्यु का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने इस किरदार से सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। नंबर टू, गौरव खन्ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीवी एक्टर गौरव खन्ना भी लंबे समय से टीवी से गायब थे। अचानक गौरव खन्ना के सीरियल अनुपमा में एंट्री हुई, जिसमें इन्होंने चंद दिनों में ही अपनी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा कर लिया। अब हाल तो ये है कि अनुज यानी गौरव खन्ना ने वनराज की चमक को भी फीका कर दिया है। नंबर थ्री, विवियन डिसेना। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड अभिनेता विवियन डिसेना की, जिन्हें आखिरी बार सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में देखा गया था। इस शो के खत्म होने के बाद विवियन डिसेना अचानक छोटे पर्दे से गायब हो गए, पर हाल ही में विवियन डिसेना का नया शो सिर्फ तुम टीवी पर ऑन एयर हुआ है, जिसमें अच्छी एक्टिंग करके विवियन डिसेना ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा ली है। नंबर फोर, जय सोनी। सीरियल ससुराल गेंदा फूल के जरिए फैंस के दिलों पर राज कर चुके जय सोनी एक बार फिर से छोटे पर्दे पर लौट आए हैं। जी हां, सीरियल ससुराल गेंदा फूल सीजन टू में अच्छी एक्टिंग करके लाखों लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं और इस तरह से इन्होंने एक बार फिर से टीवी सीरियल में कमबैक किया है। नंबर फाइव, रणदीप रॉय। इस लिस्ट की पांचवी कड़ी में अभिनेता रणदीप रॉय का नाम शुमार है, जो ये उन दिनों की बात है सीरियल में अच्छी एक्टिंग करके पॉपुलर हो गए थे और कुछ सालों के लिए ये टीवी इंडस्ट्री से दूर थे, क्योंकि इन्हें किसी भी शो में अभिनय करने का मौका नहीं मिल रहा था और अब इन्हें साल 2021 में बालिका वधु सीजन टू में आनंद का किरदार निभाने का मौका मिला है और ये इस किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया है। नंबर सिक्स, सिजेन खान। सीरियल कसौटी जिंदगी में धमाल मचा चुके पाकिस्तानी एक्टर सिजेन खान को सालों बाद टीवी पर देखा गया और अब ये एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के जरिए वापसी की थी और दर्शक सिजेन खान को फिर से टीवी पर देखकर काफी खुश हो गए थे। नंबर सेवन, पूजा गौड़। चलिए बात करें टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर अदाकारा पूजा गौड़ की, जो प्रतिज्ञा 2 सीरियल में वकील प्रतिज्ञा का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाकर पर्दे पर वापसी कर चुकी हैं और इन दिनों अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। नंबर एट, दिशा परमार। सीरियल वो अपना सा के बाद दिशा परमार ने वापसी करने में 3 साल का समय ले लिया। जी हाँ, इन दिनों दिशा परमार बड़े अच्छे लगते हैं सीजन टू में प्रिया का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं और इस तरह से इन्होंने टीवी पर कमबैक करने में तकरीबन 3 साल का समय लगा दिया है। नंबर नाइन, अरहान बहल। अब बात करते हैं अभिनेता अरहान बहल की, जो प्रतिज्ञा सीरियल में कृष्णा का किरदार निभाकर मशहूर हो गए थे और एक बार फिर से साल 2021 में प्रतिज्ञा 2 सीरियल में एक्टिंग करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किए थे। नंबर 10, नकुल मेहता। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेता नकुल मेहता का नाम शुमार है, जो इश्कबाज शो के खत्म होने के बाद कुछ सीरियल में ही नजर आए हैं और उसके बाद अपना टाइम पर्सनल लाइफ को दिया और अब नकुल मेहता बड़े अच्छे लगते हैं 2 के जरिए वापसी कर चुके हैं और अपने फैंस को एक बार फिर से खुश कर दिया है। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से कौन से कलाकार की वापसी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है, आप हमें उस कलाकार का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।